हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक्सी और मैं चैप्टर 4 द फोर्सेस का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, टू स्फेरिकल बॉडीज ईच ऑफ मास 50 केजी आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द बॉडीज एंड इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कूलम्ब रिपल्सन इक्वल्स द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्लेस्ड ऑन आइदर बॉडी। ठीक, तो देखिए, ये जब फिगर आप देखिएगा तो दो बॉडीज हैं, दोनों की मास इक्वल है। एम ले लेते हैं, ठीक है, 50 के जी दी हुई है मास, और क्यू सपोज दोनों पर चार्ज प्लेस किया गया है। तो दो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडीज के बीच में होंगे और रिपल्सन होंगे क्योंकि चार्जेस सिमिलर हैं, तो वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। आर जो दिया हुआ है सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 मीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है, मास दिए हुए हैं, तो एम इक्वल टू 50 के जी। ठीक है, दोनों के मास इक्वल है और 50 के जी दिया हुआ है। लेट चार्ज भी चार्ज ऑन ईच बॉडी बी क्यू, ठीक है, क्यू कूलम चार्ज प्लेस किया गया। अब क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू कूलम रिपल्सन फोर्स। तो दोनों फोर्स हम निकाल लेते हैं पहले, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अगर F G से डिनोट करते हैं तो G M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम 1 मान लेते हैं। कूलम फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, F E से डिनोट करते हैं इसको, तो ये होता है 1 बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इसे 2 मान लेते हैं। और जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो हम इक्वेट कर देते हैं दोनों फोर्स को, क्योंकि बोल रहे हैं कि इक्वल होगा, ठीक है, एज एफ ई इक्वल टू एफ जी। तो यहां से हमें मिल गया आपका, देखिए एफ ई है 1 बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इधर देखिए आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है, तो जी की क्यू निकाल देंगे, तो यहां से आपका 1 बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास दी हुई है के जी में 50 इंटू 50। तो यहां से हमें क्यू मिल जाएगा, क्यू इक्वल टू अंडर रूट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये चार्ज हमारा है कूलम्ब में, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू हमारी क्यू की आएगी 4.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्ब। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर चार्ज ऑन ईच बॉडी is q equal to 4.3 into 10 to the power minus 9 कूलम्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।